मेरे पास जो बचा हुआ राइस था, चावल था, वो मैंने जीरा राइस बनाया था, तो उससे भी मैंने बना लिया। ज़रूरी नहीं है चलो आप राइस को बॉयल करें, प्लेन राइस हो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ज़ीरा राइस बनाया था, उससे मैंने बना लिया सब्ज़ी राइस, चाइनीज़ राइस बोले, वेजिटेबल राइस बोले, जो भी आप बोले, एग फ्राई राइस बोले, जो भी है। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा डिश बन गया है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बचा हुआ कोई चीज़ भी फेंकना नहीं चाहिए, जैसे मुझे रात का चावल बचा हुआ है, मैंने सोचा भी क्या बनाऊँ, तो मेरे पास थोड़ा सब्ज़ी भी पड़ा है, मैंने सोचा उसको चाइनीज राइस जैसा मैं बना लेती हूँ। मैंने ऑन कर दिया है, अभी इसका अंदर थोड़ा मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। मैंने दो अंडा लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया है, और इसके अंदर थोड़ा मैं फूड कलर यूज़ करूँगी, अंडा के अंदर मैं थोड़ा फूड कलर यूज़ करके डाल के मैं अभी अच्छी तरह से इसको मैं फेंट लूँगी। इसके अंदर थोड़ा ब्लैक पेपर कुटा हुआ वो भी मैंने ऐड कर दिया, अभी इसको अच्छी तरह से दोबारा मैं फेंट लूँगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। अभी जो अंडा मैंने फेंटा है, अंडा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अंडे को मैंने कीमा जैसा पका लूँगी, थोड़ा ऑयल मैंने डाला था। ये हो गया है, मैं इसको निकाल देती हूँ। दोबारा मैंने कढ़ाई चूल्हे को पटक दिया, चूल्हा भी ऑन है। अभी थोड़ा सा मैं दोबारा ऑयल ऐड कर दिया है, अभी इसके अंदर मैं थोड़ा लहसुन, मैं लहसुन थोड़ा चॉप करके रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। हो गया है लाइट ब्राउन हो गया है, मैं इसके अंदर थोड़ा ग्रीन चिली मैंने काट के रखा उसके अंदर डाल दिया, ये डाल दिया ग्रीन चिली। उसके बाद मैंने ग्रीन चिली डाल दिया था, अभी मैंने गाजर काट के रखा था एक वो मैंने ऐड कर दिया। इसको भी थोड़ा सॉटे कर लेती हूँ। अभी थोड़ा मटर भी डाल रही हूँ, मैं छील के इसको डीप में डाल दिया था वो मैंने ऐड कर दिया। अभी अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करूँगी, थोड़ा सॉल्ट मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने जो राइस जो बचा हुआ है उसके अंदर भी सॉल्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। टेस्ट करके चाहिए तो बाद में डाल दूँगी। मटर और गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको कवर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी दो मिनट तक इसको कवर करके पका लूँगी। दो मिनट तक इसको मैंने पका लिया है। गाजर थोड़ा, मटर दोनों थोड़ा हार्ड था, अभी दूसरा चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। ये पत्ता को भी थोड़ा बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया। ये दो दिन पहले मैंने चाइनीज़ बनाया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज़ घर पर पड़ा था, कैप्सिकम नहीं था वो ख़त्म हो गया, जो भी पड़ा है उससे मैं चाइनीज़ चावल बना रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा मैं ब्लैक पेपर कूटा हुआ वो मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद जो अंडा मैंने फ्राई करके छोटा छोटा टुकड़ा या कीमा बना के रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया। जीना मोटी यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए शुगर पाउडर मैंने हाफ टी स्पून जितना ऐड कर दिया। मैंने गरम कर लिया माइक्रोवेव में। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। चूल्हा एकदम मीडियम आंच पे है, इसको भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैं अजीनोमोटो यूज़ नहीं करती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिसको करना है वो तो कर ही लेते। उसके बदले मैं थोड़ा शुगर ऐड कर लेती हूँ। अभी प्याज का जो थोड़ा वाइट पार्ट है वो मैं डाल रही हूँ, और सोया सॉस 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया।
अब इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अभी प्याज का जो ग्रीन पार्ट है वो मैं ऐड कर रही हूँ। अभी उसको भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा ब्लैक पेपर कुटा हुआ वो मैंने ऐड कर दिया। चूल्हा बंद है। बस देखिए रात का बचा हुआ खाना से राइस से कितना अच्छा झटपट एक डिश बन गया है। अब इसी तरह कोई चीज़ आप फेंके नहीं, इसी तरह आप बनाएं, बच्चों को भी बड़ों के भी सबको पसंद आएगा। और चाइनीज़ सब्ज़ी की आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई भी दो एक सब्ज़ी हो तो भी बना सकते हैं। सिर्फ मटर हो तो भी उससे भी चाइनीज़ राइस बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। ये रेसिपी आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं किया है, हमेशा जो भी खाना पका है पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाह मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। जीरा का थोड़ा सा खुशबू आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है।